अच्छा यहाँ सब जगह ऊँट है, ठीक है, यहाँ भी आपको ऊँट ही मिलेगा। लेकिन इस दफा इतने सही है, नॉर्मल है, क्योंकि इनको देख के ऐसा लग रहा है बहुत। राइट से भी जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हम लोग, उम्मीद होगी बड़े अच्छे हो गए। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेडीसी फाउंडेशन की मैन ऑफिस में, जो के है अंचोली पे, आई थिंक अंचोली पे। मेरे साथ मौजूद है हारिस भाई। कैसे हारिस भाई, ठीक है आप? तो भाई आज हम लोग आए जेडीसी पे, और पिछली दफ़ा भी आए थे हम लोग, लेकिन मुझे इस दफ़ा कोई पिछली दफ़ा जैसा माल लग नहीं रहा, क्योंकि सारे जो भी आप जानवर को देखोगे ना, सारा आपको हैवी लगेंगे, ऊपर से ऐसा लगेगा डर लगेगा आपको, जैसे जमील में उनमें जानवर आए खूबसूरत तरीन। तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ऊँट की वैरायटी ज़्यादा लगी है, एक एक नस्ल नस्ल की ऊँट है यहाँ पर। जिससे भी मेरा पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा है, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप लोग लाजमी देखें। और अभी मैं बस आ गया हूँ यहाँ पर, अभी अंदर जाते हैं, फिर आपको पूरा ब्लॉग बताते हैं क्या क्या इनके पास वैरायटी है। मुझे कोई इतनी खास लगी नहीं, सारे हैवी जानवर है बस। तो चल आए अंदर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या सीन चल रहा है। माशाल्लाह इनके बाद नस्ली किस्म के ऊँट आए हुए, इस दफ़ा ऊँट कुछ ज़्यादा ही है, और इस पूरी पट्टी में ऊँट है, सामने वाली पट्टी में भी ऊँट ही ऊँट है। तो ये वाइट कैमल है, ज़्यादा नहीं लिया खानी थी ना जो माशाल्लाह खूबसूरत ऊँट है यार। ये माशाल्लाह यार हारिस, इतना बड़ा जानवर है, माशाल्लाह यार बहुत जबरदस्त जानवर बैठा हुआ है। बैठा हुआ इतना बड़ा लग रहा है, तो खड़े हुआ क्या इतना बड़ा लग रहा है, इसको देख के डर लग रहा है अभी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रश नॉर्मल यहाँ पर है। लास्ट टाइम हम लोग हफ्ते वाले दिन आए थे, काफ़ी रश था, तो फिर वो वापसी चले गए थे। माशाल्लाह से इनके पास यहाँ भी जानवर खड़े हुए, यहाँ भी जानवर खड़े हुए, और काफ़ी रश लगा हुआ है आज भी, और काफ़ी हैवी जानवर है, और मुझे ज़्यादातर बुढ़े बुढ़े जानवर लग रहे, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टाइम जानवर थे वो भी सब उन्होंने आज खड़े किए हुए। और ऊँट आप देखो, सारे ऊँट वहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, मुझे ऊँट ही ऊँट नज़र आ रहे, जानवर इस साइड पर सारे बड़े बड़े उधर रखे हुए, और यहाँ भी छोटे छोटे जानवर इस साइड पर। और आप लोगों को मैं सिब्बी के बेल चेक करवाता हूँ, काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़े हैं। हाइट से भी ऊपर जा रहे हैं, तेरी हाइट से भी ऊपर जा रहे हैं। अभी चार पांच बेल खड़े हुए, क्या इनकी साइज है, क्या इनकी हाइट है, हाथी लग रहे, चार हाथी क्या वारिस। सिब
बॉडी बिल्ड देखे माशाल्लाह से, क्या इनकी हाइट है यार, और हाथी लग रहे चार चार हाथी, पांच हाथी, वो इनसे बड़ा सबसे ज्यादा बड़ा तो ये, और ये ऑस्ट्रेलियन बेल। ओए होए 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 हरीश भाई ये ऑस्ट्रेलियन बेल दिखाओ भाई, तो भाई सारे जानवर पहले हम लोग आए थे खड़े भी नहीं थे, अब खड़े हो गए सारे जानवर, क्या साइज है भाई इन लोग का। ये हम लोग की गली में आते थे एक टाइम पे, लेकिन अब तो देखने को ही नहीं मिलता इनके पास खड़े हुए काफी दो दो जानवर, और काफी बड़े लग रहे हैं यार, हाइट से भी ज्यादा हो गए। बाकी कोई खूबसूरत जानवर मेरे को नजर नहीं आ रहा, और सारे बड़े बड़े जानवर है, और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन बेल है, और ये है चांद बेल। ये तो लास्ट टाइम वाला है मेरे ख्याल से, लास्ट टाइम भी यही था ना इसके पास, वो ब्लैक था मेरे ख्याल से, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम भी यही इनके पास था, वो शायद ब्लैक था, आगे से ब्लैक था, ये दूसरा है, और वो दिखाओ वो काफी खूबसूरत है यार बछड़ी, ये ब्राउन व्हाइट जो बैठी हुई है माशाल्लाह से काफी खूबसूरत लग रही है, और ये इसके बराबर में जो है वो गिनी है छोटी, और बस ये यहाँ पर एक क्या इसको क्या बोलते हैं, भैंसा खड़ा हुआ है, तो ये भैंसा चेक कर लो, एक छोटा भैंसा पड़ा, तो भाई रश इतना है कि बंदा जानवर भी घबरा गए, ये कौन कौन हमें देखने आ गए, जानवर से ज्यादा पब्लिक का रश है यहाँ पर, इधर बच बच के चलना पड़ रहा है कि किसी को लग नहीं जाए। ये देखो ऐसा सिंगे पकड़े हुए जैसे वो कार का स्टेयरिंग हो, हारिस ये भी खड़ा हुआ, पहले बैठा हुआ था ये अब खड़ा हो गया, और क्या इसका साइज है माशाल्लाह, देख के आपको डर लगेगा भाई इसको, यार एक मिनट हाथ हटाना, भाग रहा है क्या, भाग तो नहीं रहा तो भाई ये देख लिया हमने माशाल्लाह, पहले बैठा हुआ था अब खड़ा हो गया है, वो काफ़ी क्या नस्ली जानवर है भाई, तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, तो इस साल के भी आपको JDC के जानवर मैंने दिखा दिए, आप लोग ने सब जानवर देख लिए, और अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो भाई मेरे आप पीछे देख सकते हो इतना रश लगा हुआ है, और ये रश सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जानवर आते और काफ़ी खूबसूरत भी होते, लेकिन इस दफ़ा इतने सही है नॉर्मल है, क्योंकि इनको देख के ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब वो सिंगो वाले अपने देखे चांद बेल, ऐसा लग रहा है डर लग रहा है अभी मार देंगे आपको, खूबसूरती में थोड़े से कम है यहाँ पर इस दफ़ा, लेकिन बहुत हैवी हैवी जानवर, काफ़ी बड़े बड़े जानवर है भाई, तो आप लोग को सब दिखा दिया मैंने भाई, जो इस दफ़ा 2024 का जो जो इनके पास जानवर आए थे सब आपको दिखा दिए, अगर आपने पिछले वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखा आप यहाँ ऊपर आ रहा होगा वो लाजमी देखें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ सब जगह ऊँट है, ठीक है, यहाँ भी आपको ऊँट ही मिलेगी, ऊँट की वैरायटी मिलेगी, और यहाँ भी ऊँट ही ऊँट है, ऊँट फ्री में मिल लेते हारिस, ऊँट फ्री में मिल लेते यार, इस दफा हर गरीब खाएगा ऊँट का गोश्त। हाँ चलो अल्लाह ताला नसीब करे, तो भाई अल्लाह हाफिज़ बोल दो, अल्लाह हाफिज़।